हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे एसएस सिलाई सेंटर में। तो दोस्तों, आज आपके सामने नायरा कुर्ती का फुल स्टेचिंग वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि कुर्ती का स्टेचिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, हमने ये दो अस्तर रख लिया है और ऊपर से एक फ्रेंड चोली रख लिया है और हम ये गला पल्टी कर रहे हैं हाफ बूट से। तो ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे यह गला पल्टी हो चुका है। ये हमारा गले पे सिलाई लग चुका है। अब हम दोनों साइड आरमोल जो है, आरमोल को भी हम पक्का कर लेंगे क्योंकि इसमें आस्तीन हम नहीं लगाएंगे। तो ये आरमोल हमारा अस्तर से ही पलटी हो जाएगा। ये देखिए, हमने दोनों साइड ही आरमोल पे भी सिलाई लगा लेते हैं और इसे कट करके हम अच्छे से पलटी कर लेंगे। ये देखिए, गले में हमने एक खुटका लगा लिया ताकि हमारा गला आसानी से पलट जाए और बैठ जाए। तो देखिए, हम ये फ्रेंड गला ये पलट लिए हैं। चलिए, अब इसके लिए बैक गला के लिए दो अस्तर हम बैक में भी डालेंगे। तो दो अस्तर हमने ये रख लिया है और ऊपर से फ्रेंड पल्ला रख लेना है। तो ये देखिए, फ्रेंड पल्ला भी हमने ये रख लिया है और इसको अच्छे तरह से बैठा लेना है ताकि आपका पल्ला छोटा बड़ा ना हो। ये देखिए, अब उस पर हम बैक जोड़ जोड़ रख लेंगे जिसमें हम बैक गला पलटी करेंगे। तो बैक गला भी सामने के गला से हम सेम रखेंगे, पलटी करेंगे। तो देखिए, पहले हमें ये कंधे पे सीधा सिलाई एक लगा लेना है। ये देखिए, हमने सीधा सिलाई लगा लिया है। इसको हम थोड़ा कट कर लेंगे जो फालतू कपड़ा है। चलिए देखते हैं, बैक गले पे भी हम उसी तरह सिलाई लगाएं जैसे हमारा फ्रंट गला है। सिंगल बूट से हमने ये बैक गले को भी बहुत ही आसान तरीके से पलटी कर लेना है और उसके बाद बैक में भी हम आरमोल को हम गुम कर देंगे ताकि हमारा ये आस्तीन इसमें नहीं जाएगा। बिना आस्तीन का ये हमारा पीस बनेगा। तो आरमोल को भी हम सीधा पलटी कर लेंगे। तो देखिए, बैक गला पे हमारा सिलाई लग चुका है। चलिए, अब दोनों साइड आरमोल पे भी हमने ये सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए, आपको भी इसी तरह कर लेना है दोस्तों, बहुत ही आसान से। अब एक बार देख ले तो आपको समझ में आए। देखिए, हमने सिलाई लगा लिया, खुटका लगा कर हम बैक गले को पलटी कर लेते हैं। तो हो गया हमारा बैक गला पलटी। चलिए, अब हम आरमोल पे अब सिलाई लगाना शुरू करते हैं। ये देखिए, आरमोल पे हम सिलाई लगाते जाएंगे, पूरा गले पे सिलाई लगाते हुए दूसरे आरमोल तक चले जाना है। तो देखिए, हमारा ये सिलाई लग चुका है। तो चलिए देखिए, हमारा बैक फ्रेंड गला पलटी हो चुका है। अब इसमें हम पैड लगाएंगे, जैसे हम कटोरे भी बोलते हैं। तो ये देखिए, दो अस्तर हमने सामने में इसलिए लगाया ताकि हम कटोरी लगा सकें। तो ये देखिए, एक अस्तर हमने छोड़ दिया है, एक मेन चोली और एक अस्तर लेकर पहले हम कटोरी जत्ता पे लगाएंगे। ऊपर से हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे पैड लगाने के लिए। तो इस साइड से भी हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे और जो बीच सेंटर है चोली का, वहाँ से हमें 8 इंच पे मार्क लगा लेना है। तो आप भी कटोरी जब भी लगाइए इसी तरह अच्छे से माप लेकर। देखिए, जहाँ पे हमारा ये निशान लगाए वहीं पर हम उंगली रख के और कटोरी के सेंटर में हमें टाँक देना है, मजबूती से टाक देना है ताकि। और देखिए, दूसरे साइड भी हम इसी तरह टाक लेंगे ताकि हमें लगाने में कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, हमारा कटोरी टक चुका है। चलिए, अब इसे हम अस्तर को अटैच कर देते हैं चोली से। ये देखिए, आपको भी इसी तरह अस्तर बराबर कर कर और चोली और अस्तर अटैच कर लेना है। ये देखिए, हमारा ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ अस्तर अटैच हो रहा है। बैक फ्रेंड हम इसी तरह अटैच कर लेंगे। तो देखिए, हमारा ये बैक फ्रेंड अटैच हो चुका है। चलिए, अब हम इसका घेरा तैयार करते हैं। तो देखिए, ये जो दामन है, दामन को हमने ये 3 साइड से पहले ही मोड़ लिया है। अब इसमें हम गेदर लगा लेंगे कमर में। तो कमर में आपको भी गेदर लगा लेना है बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए, गेदर हम बहुत ही
फिनिशिंग के साथ लगा लें। तो गदर हमारा लग चुका है, चलिए अब कमर अटैच करके बताते हैं। तो ये देखिए आपको चोली के साइज के हिसाब से आप अपना कमर जोड़ सकते हैं। हम यहाँ पे कमर रख रहे हैं, 15 इंची कमर है हमारा, तो इसका 15 इंची भी हम मेजरमेंट लेकर कमर जोड़ लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें हैंडवर का काम हो चुका है तो इसीलिए आराम आराम से जोड़ना पड़ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा ये कमर जुड़ चुका है, बैक फ्रेम दोनों कमर जुड़ चुके हैं। चलिए अब इसको हम साइड लगा कर दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों साइड भी हमने ये लगाना शुरू कर दिया। तो चेस्ट अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, हम यहाँ पे चेस्ट रख रहे हैं 18 इंची 18 इंची। देखिए यहाँ कमर में जो हम लटकन डोरी लगाएंगे तो लटकन डोरी हमने यहाँ पे 1 मीटर का लिया है, तो 1 मीटर का डबल करके और इसको यहाँ पर कमर में टाक लेंगे वो, क्योंकि बांधने में यह आसानी होता है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह साइड लगा लेंगे। यह देखिए हमारा दूसरा साइड भी लग चुका है और इस साइड भी हम 1 मीटर का ही डोरी लटकन डोरी लगा लेंगे। ये देखिए ये डोरी लगती है, हमारा ये पीस पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए हमारा ये फाइनल लुक आपके सामने कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुंच जाए। और अच्छे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।